सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड या एटीएम कट गई है, उसका पिन भूल जाते हैं तो उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आप दो माध्यम से कर सकते हैं, पहला ब्रांच जहाँ पर आप खाता खुलवाए होंगे अकाउंट, दूसरा एटीएम मशीन से। अगर मैं अपने ब्रांच से चेंज जनरेट करेंगे तो आपको 150 से ऊपर चार्ज लग जाएगा, ठीक है, पैसा भरना पड़ेगा। और अगर हम एटीएम मशीन से करते हैं तो एक भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए हम एटीएम मशीन से दिखाते हैं और कैसे चेंज करना है, तो हम फोटो के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलिए हम अपना एटीएम कार्ड स्वाइप कीजिए अपने एटीएम कार्ड मशीन में। स्वाइप करने के बाद आपको इस तरह का आएगा दूसरा स्क्रीन पर, आपको तो आपको सेट एटीएम पिन और लिखा रहेगा ग्रीन पिन, तो आपको सेलेक्ट करना है ग्रीन पिन पर। तो चलिए हम ग्रीन पिन जैसे ग्रीन पिन पर सेलेक्ट करते हैं, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह का फिर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा जिस पर लिखा रहेगा ओटीपी जनरेट और ओटीपी वैलिडेट, तो आपको ओटीपी जनरेट पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है आपके बैंक अकाउंट से, उस पर एक चार अंकों का पासवर्ड आएगा। वो चार अंकों का पासवर्ड आपको फिर एटीएम मशीन में डालना हो, कैसे डालना वह और देखते रहिए। तो पहले तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, नहीं तो उसी पर आता है चार अंकों का पासवर्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है फिर, और एक बात बता दूँ, 10 मिनट तक ही ये काम करता है, ठीक है, 10 मिनट के अंदर ही अंदर इसको एटीएम से कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो अपने अपने जब जा रहे हैं वो एटीएम कार्ड जनरेट करने, तो अपने साथ में ही मोबाइल लेके जाइए एटीएम मशीन पे भी, ठीक है, तभी जनरेट कीजिए, क्योंकि इस पर ओटीपी आता है, ठीक है। और ओटीपी है जो चार अंकों का पासवर्ड मिला रहता है वो डालना पड़ता है, तो अपने साथ ही अपने मोबाइल के साथ ही अपने एटीएम मशीन पे चाहिए। तो चलिए फिर एटीएम मशीन पे चलते हैं। तो एटीएम मशीन पे तो अभी आपको रहना ही है, तो फिर अपना एटीएम कार्ड को स्वाइप करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्वाइप करते हैं अपना एटीएम कार्ड, और स्वाइप करने के बाद आपको पिन आपका इधर सेट एटीएम पिन और ग्रीन पिन पे इसी तरह फिर आएगा आपको, तो फिर ग्रीन पिन पे आपको फिर दोबारा क्लिक करना है। तो चलिए हम ग्रीन पिन पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर आएगा वही ऑप्शन जो ओटीपी जनरेट, और तो आपको अभी डालना है ओटीपी वैलिडेट, ओटीपी वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। फिर से बता दूँ, आपको ओटीपी वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए ओटीपी वैलिडेट पर हम क्लिक करते हैं, जैसे ओटीपी वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो जो आपको आपको मोबाइल पे चार अंकों का पासवर्ड आया है वही अब आपको एंटर करना है, चार अंकों का ही पासवर्ड आता है वो, तो आपको एंटर करना है और एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर करेंगे तो आपको प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन, आपको मनपसंद अपना पिन बनाना है कि हम कौन सा पिन रखें हमेशा के लिए, ठीक है। तो अपने मनपसंद पिन डाल लीजिए, जो भी चार अंक का डालना है। तो डालने के बाद आपको बोलेगा री एंटर पिन, मतलब जो आप चार अंक का मनपसंद पासवर्ड बनाए हैं, पिन बनाए हैं, वही फिर दोबारा आपको डालना है। तो जैसे 1 2 3 4 डाल लेते हैं हम, फिर इधर भी मांग रहे हैं 1 2 3 4 डाल दीजिए, जो भी आपको मन आए, आपके मन में जो है नंबर वही डालिए, तो उसको री एंटर करना है, वही नंबर डालना है। तो चलिए हम डालते हैं, और डालने के बाद आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है, सक्सेसफुल हो जाएगा, और उसके बाद आप आपका एटीएम कार्ड का पिन सेट हो जाएगा। तो आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं, जो चाहें आप एटीएम से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप एटीएम, आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपको कैसे जनरेट करना है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और कोई मन में शंका उनका है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिए, हम कमेंट आपको रिप्लाई कर देंगे कोई मन में शंका है तो।
ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए तो भी कमेंट में कर सकते हैं, नहीं तो हमारे ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, onlinebanking2018@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल पे ऑनलाइन बैंकिंग चैनल पर बस बैंक का ही वीडियो आता रहता है। ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और तब तक अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।